स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं प्रियंका झा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भारत का खाता खुल गया है। भारत के गुरु राजा ने वेटलिफ्टिंग 56 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने इवेंट के पहले दिन ये पदक हासिल किया है। महिलाओं के टेबल टेनिस टीम इवेंट में भारत ने श्रीलंका को 3-0 से हराया है। वहीं महिला हॉकी में भारत को अपने पहले मैच में वेल्स के हाथों 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। बैडमिंटन की बात करें तो वर्ल्ड नंबर 2 किदांबी श्रीकांत ने मिक्स टीम ग्रुप ए मैच में श्रीलंका के निलुका करुणारत्ने को हराया है। भारत ने इस इवेंट में श्रीलंका को 5-0 से हराया। कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के ट्वीट पर भारतीय क्रिकेटरों के जवाब देने की कड़ी में सचिन तेंदुलकर का भी नाम जुड़ गया है। सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि हमें किसी बाहरी व्यक्ति से ये सीखने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। आपको बता दें कि मंगलवार को शाहिद अफरीदी ने कश्मीर मुद्दे पर ट्वीट किया था। अपने इस ट्वीट में अफरीदी ने हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कश्मीर में मार गिराए गए 12 आतंकियों को निर्दोष बताते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ से भारत के हिस्से वाले कश्मीर में हस्तक्षेप की मांग की थी। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण हंगामों की भेंट चढ़ने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष इसके लिए एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। संसद में गतिरोध और कामकाज ठप होने का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ते हुए अब सत्ता पक्ष ने बड़ी चाल चली है। बीजेपी समेत सत्ताधारी एनडीए के सभी सांसद उन 23 दिनों का वेतन भत्ता नहीं लेंगे जिस दौरान संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ी। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने ये जानकारी दी और कहा कि ये पैसे लोगों की सेवा के लिए मिलते हैं और अगर हम वैसा करने में असमर्थ रहते हैं तो हमारे पास लोगों के पैसे को लेने का कोई हक नहीं है। इस हफ्ते इरफान खान की फिल्म ब्लैकमेल बड़े पर्दे पर आ रही है। फिल्म में इरफान टॉयलेट पेपर सेल्समैन है जिसकी पत्नी का कहीं और अफेयर है। फिल्म में अच्छे ट्विस्ट के साथ ही ह्यूमर भी है जो लोगों को हंसने पर मजबूर कर देता है। एक्टिंग की बात करें तो इरफान ने एक औसत आदमी के रूप में बेजोड़ परफॉर्मेंस दी है। ब्लैकमेल का प्लॉट इसका हीरो है और ये डार्क और फनी के बीच के बैलेंस को अच्छे तरीके से मैनेज करता है। फिल्म कहीं भी इसके ब्लैक ह्यूमर को नहीं छोड़ती है। लंबे समय बाद दर्शकों को ऐसी मजेदार फिल्म देखने को मिलेगी। अब तक के लिए इतना ही, लेकिन आप देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन।